हेलो दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन में क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली बंद हो गई। बंद होने का कारण क्या था कि जो ये हम कपड़े सुखाते हैं इसके अंदर मैंने कपड़े डाले थे, पर डालने पर क्या हुआ, बहुत भयंकर इसमें आवाज़ आई, घड़ घड़ की आवाज़ आने के बाद में ये झाम होकर के बंद हो गई। तो मैंने क्या किया, फिर इसको चेक करने के लिए खोला, इसको खोला तो इसमें पहले मैंने इसकी सप्लाई चेक की। मैंने दोस्तों सप्लाई चेक की तो इसके अंदर मुझे यहाँ नूडल मिल गया था और फेस इसके अंदर इसमें फेस मुझे मिला इस सर्किट बोर्ड के अंदर। मैंने इसको भी चेक किया, यहाँ पर करंट मिल गया। फिर मैंने देखा इसके अंदर कि ये जो मोटर को मैंने चेक किया सीरीज से लगा के, जो ये कपड़े सुखाती है, इस मोटर को मैंने चेक किया तो ये मोटर आपस में शॉर्ट बोल रही थी। मैंने इसके वायर वायर काट दिए और ये जो मोटर को, दोनों ही मोटर है, इसके मैंने वायरों को चेक किया, इसके वायर मुझे सही बताए। तब तो मैंने इसके कंडेंसर को भी चेक किया, इसमें कंडेंसर लगा हुआ है 9 माइक्रोफेड का, और जो ये कपड़े सुखा रही है इसमें लगा हुआ था 6 माइक्रोफेड का। उसके मैंने वायर काट दिए और इसके 2 वायर लगा के, और ये वाइट वाला जो वायर है इसको मैंने न्यूट्रल माना। और न्यूट्रल मानने का कारण था दोस्तों, ये डायरेक्ट वायर आ रहा है, एसी का डायरेक्ट वायर यहाँ पर आ रहा है, इसको न्यूट्रल मान लिया मैंने। और ये दोनों वायर कंडेंसर से आ रहे थे, इनको मैंने कैपेसिटर कैपेसिटर के तार मान लिए, जिसमें हम देंगे फेस। यहाँ दे दिया मैंने न्यूट्रल का वायर सीरीज से, और इनमें दे दिया मैंने फेस। एक बार ये मोटर लेफ्ट घूमी, एक बार राइट घूमी, इसका मतलब मोटर तो ओके थी। फॉल्ट रह गया सर्किट के अंदर। सर्किट को मैंने चेक किया दोस्तों, तो ये सर्किट फुल ऑटोमेटिक है और ये पूरा पैक किया हुआ था, ग्लू लगा के चेक पैक किया हुआ है इसको। तो मैंने इसके ग्लू हटा करके और इसके ट्रांसफार्मर को मैंने चेक किया, अगर ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी थी, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी ओपन थी, लोड के कारण से ट्रांसफार्मर फॉल्ट हो गया दोस्तों। ये 4.5 वोल्ट का मिला मुझे, 4.5 वोल्ट लगा दिया मैंने, 4.5 4.5 9 वोल्ट हो गए इसके अंदर। हालांकि 6.06 भी लगा सकते हम लोग, तो 4.5 का कहते हैं, 4.5 0 4.5 कितना हो गया दोस्तों, 9 वोल्ट हो गया। ये 2 वायर लगा दिए प्राइमरी के और ये वायर मैंने यहाँ से नीचे निकाल लिए, ठीक है दोस्तों। अच्छे से मैंने निकाल लिए वायर को, देखो ऐसे, ये क्या पूरा पैक किया हुआ था दोस्तों। तो इसको मैंने गर्म आयरन से लगा के ग्लू हटा करके इसका, और दोनों वायर निकाल लिए, ये सेकेंडरी के वायर हो गए, ये प्राइमरी के वायर हो गए। इनको लगाने के बाद में जब मैंने इसको चेक किया तो मेरा जो ये सर्किट बोर्ड है ये आराम से काम करने लग गया दोस्तों। अब मैं दिखाता हूँ आपको लाइन लगा के एक बार। नहीं बोला, ये देखिए दोस्तों, मोटर जो मोटर कपड़े सुखाती है, सॉरी धोती है, वो चालू हो गई है इसकी। और जो मैंने तार दिए इसके अंदर, ये एसी के वायर दे दिए, जो तार लगे थे स्विच के ऊपर, देखा है आप, ये हटा दिया मैंने वायर, ये डायरेक्ट एसी से ऑन होती है, ये लगाते ही ऑन हो जाएगी। ये इसको ऑफ करने का सिस्टम नीचे दिया हुआ इसके अंदर, ये रे बटन फुल ऑटोमेटिक है, ये ऑफ हो गया ऑन के लिए। दोस्तों आपके भी अगर मशीन वॉशिंग मशीन अगर ख़राब हो गई हो तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से।